चोपड़ा एग्रीबिजन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब इस बात को जानते हैं कि इंडिया में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम देना होगा और इसके लिए नीट का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल 2023 है। यानी कि 6 अप्रैल 2023 तक आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना होगा और नीट के मेरिट स्कोर पर इंडिया में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन होगा। अभी कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसमें एमबीबीएस बीडीएस के साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन अलग से करना होता है और वो एडवांस में करना होता है। तो कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन फॉर्म हैं जो आपको नीट के साथ साथ नीट की एग्जाम से पहले ही अप्लाई करने हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में एक सबसे बड़े चेंज की बात भी करेंगे हम, क्योंकि इस बार आरपीवीटी का एग्जाम नहीं हो रहा है। राजस्थान में जो वेटनरी एग्जाम होता है वो वेटनरी एग्जाम अभी नीट के स्कोर पर ही होगा। इस बार कोई आरपीवीटी का एग्जाम नहीं होगा। वेटनरी एडमिशन के लिए कुछ स्टेट में अलग से वेटनरी का एग्जाम लिया जाता है, यूपी में भी लिया जाता है, एमपी में लिया जाता है, तो राजस्थान में भी ये वेटनरी टेस्ट लिया जाता था, आरपीवीटी कहा जाता था, लेकिन इसको अभी चेंज कर दिया गया है। यानी कि ये सारा सब कुछ नीट स्कोर से ही इसमें एडमिशन होगा। ये आप 17 फरवरी 2023 का जो बोर्ड की मीटिंग है उसका आप डिसीजन देख सकते हैं। उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि इस बार आरपीवीटी का एग्जाम नहीं होगा। जो भी वेटनरी राजस्थान के लिए एडमिशन होंगे वो नीट बेस पर होंगे, यानी कि 15% एआईपीवीटी के थ्रू बीसीआई काउंसलिंग करवाकर एडमिशन दिया जाता है, लेकिन जो 85% स्टेट की सीटें हैं वेटनरी की, उनमें पहले आरपीवीटी का एग्जाम हुआ करता था, वो आरपीवीटी का एग्जाम इस बार नहीं होगा, इनमें सिलेक्शन नीट के मेरिट बेस पर ही होगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है राजस्थान स्टेट के लिए। अब हम बात करेंगे कि नीट के अलावा और कौन कौन से फॉर्म अप्लाई करने हैं जो आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से फॉर्म कितनी बार ओपन होते हैं, कब अप्लाई करना है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स को एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी बीएमएस में एडमिशन लेना है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, आर्मी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो उनको नीट का फॉर्म तो फिल करना ही है। उसके साथ साथ अगर एमबीबीएस बीडीएस में भी एडमिशन लेना है तो कुछ एडवांस में फॉर्म है, जैसे कि सीएमसी वेल्यूर है, सीएमसी वेल्यूर का फॉर्म पहले अप्लाई करना होता है, केरला स्टेट का फॉर्म पहले अप्लाई करना होता है, सिक्किम मणिपाल आईपीयू सीयूईटी अगर बीएससी कोर्स या एग्रीकल्चर या आईसीआर के थ्रू जो पहले टेस्ट होते थे उसके थ्रू एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी के बारे में मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीएमसी वेल्यूर के बारे में बात करेंगे। तो सीएमसी वेल्यूर का डिटेल्ड वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप इस चैनल पर देख सकते हैं, हमारे चोपड़ा एजुकेशन चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं वीडियो। अब इसमें टोटल 2 ही सीट है सीएमसी वेल्यूर में आउट स्टेट कैंडिडेट के लिए। वैसे तो इसमें 100 सीट्स हैं, मैंने डिटेल्ड वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 सीट ही रिजर्व है इसमें। लास्ट डेट इसकी 3 अप्रैल 2023 है। तो सीएमसी वेल्यूर में अगर इन 2 सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं, 670 के नियर बाय इनकी कट ऑफ रहती है, तो आप 3 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म के लिए जो वेबसाइट है admissions.cmcvalure.ac.in रखी गई है, इसी वेबसाइट पर आप अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने वीडियो में अच्छी तरह समझा रखा है। तो ये होगी सीएमसी वेल्यूर की बात। तो सीएमसी वेल्यूर का फॉर्म भी हमें 3 अप्रैल 2023 से पहले ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फॉर्म द्वारा रीओपन नहीं होता है काउंसलिंग के टाइम में, इसका आपको खास ख्याल रखना है। इसके लिए आपको अभी अप्लाई करना है अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके बाद बात करें केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट के बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, कितनी सीटें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15% सीट अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, यहाँ की जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन अभी करना आवश्यक है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं, क्योंकि केरला में बाकी कोर्सेज के लिए अभी एग्जाम लगता है तो उसके साथ ही फॉर्म फिल करवाए जाते हैं ये। तो जो कैंडिडेट केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फीस 10 लाख के नियर बाई है, तो वो 10 अप्रैल 2023 लास्ट डेट रहेगी, इससे पहले पहले केरला स्टेट के लिए एमबीबीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। इसकी वेबसाइट है
cwe.kerala.gov.in। ये फॉर्म दोबारा भी ओपन होते हैं जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट, सॉरी मैंने यहाँ रिजल्ट ये गलत लिखा है, नीट का एग्जाम लग जाएगा, नीट का एग्जाम लग जाएगा उसके एक दो दिन बाद ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं और कुछ समय के लिए ही ये रजिस्ट्रेशन रहते हैं, नीट रिजल्ट के बाद नहीं, नीट एग्जाम के बाद रीओपन होते हैं ये फॉर्म। तो जिन कैंडिडेट्स को केरला के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, 350 से 400 का स्कोर में लास्ट राउंड तक एडमिशन हो जाता है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2023 तक लास्ट डेट है इसकी। तो ये है केरला स्टेट का फॉर्म, आपको अभी अप्लाई करना है इसमें। इसके बाद में सिक्किम मणिपाल की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज है, फीस इसकी काफी ज्यादा है, यानी कि फीस इसकी जो पूरी फीस पड़ेगी आपकी 80 लाख ट्यूशन फीस होगी, 6 लाख के नजदीक आपका हॉस्टल रहेगा, टोटल 86 लाख के नजदीक ये रहेगी, नियर बाई यही रहेगी इसकी फीस। तो आपका बजट अगर 90 लाख के नियर बाई है पूरे कोर्स का तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्कोर इसका 250 के नियर बाई रहता है, 250 से लेकर 300 के नियर बाई इसका स्कोर रहता है। इसके फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, इसमें टोटल 150 सीट्स हैं, लेकिन 33 सीट्स जनरल कैंडिडेट यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ये ऑल टू ओपन है। 33 तीन इसमें मैनेजमेंट सीट है जिनकी फीस काफी ज्यादा है। ये जो मैंने आपको फीस बताई है ये 33 सीट्स की फीस बताई है ये आपको। इसके बाद में इसके फॉर्म में अभी फिलहाल स्टार्ट है और इनकी जो एंड डेट है वो अभी तक नहीं है, यानी कि ये जो फॉर्म है इसके नीट रिजल्ट के बाद तक भी ओपन रहते हैं। एमसीसी की जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तब तक ये फॉर्म ओपन रहते हैं, तो आप इसको नीट के एग्जाम के बाद भी इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट smu.edu.in है इसकी वेबसाइट, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्म सिक्किम मणिपाल का। इसके बाद बात करें आईपीयू का। आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर तीन कॉलेजेस आती हैं, बीएससी आता है यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज आती है, एनडीएमसी आती है और एसीएमएस यानी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है। इसमें ये तीन कॉलेज की काउंसलिंग आईपीयू द्वारा करवाई जाती है और इसके फॉर्म भी अभी अप्लाई करने हैं, अभी स्टार्ट हुए नहीं है, ये जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने दिल्ली एनसीआर से 11th 12th क्लास पास कर रखी है वो एडमिशन ले सकते हैं बाबा साहिब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज एनडीएमसी, इन दो कॉलेजों में ये कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं आईपीयू के थ्रू, और इनका फॉर्म पहले ही अप्लाई करना होता है। इसके बाद जो बाकी कॉलेज हैं एमएएमसी है, लेडी हार्डिंग है, यूसीएमएस है, इनमें आप जो एमसीसी है उसके थ्रू एडमिशन लेंगे, लेकिन आईपीयू का फॉर्म अगर आप इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले अप्लाई करना होगा। एसीएमएस में जो डिफेंस पर्सनल हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आईपीयू के जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब एडमिशन लेना है। अभी इसके फॉर्म जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके भी फॉर्म काउंसलिंग के टाइम में रीओपन होते हैं तो आप उस समय भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे ये स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। और जिनकी जो वेबसाइट है ipu.ac.in है, इस पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पहले बच्चे मैथमेटिक्स से और बायोलॉजी से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, वो आईसीआर का एग्जाम लेकर के एग्रीकल्चर से बीएससी करते थे, वो आईसीआर का एग्जाम अभी खत्म हो चुका है और अभी सीयूसीटी का एग्जाम हो रहा है, यानी कि सीयूसीटी का एग्जाम आपको देना होगा, उसको भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। सीयूसीटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, इसकी लास्ट डेट 30 मार्च 2023 है। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है और जो आईसीआर के कॉलेज थे पहले आईसीआर का अलग से एग्जाम लगता था उसमें एडमिशन होता था, उसका एडमिशन भी अभी सीयूईटी के तहत ही होगा। इसकी वेबसाइट cuet.samarth.ac.in है, इस पर आप ये फॉर्म 30 मार्च 23 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म थे जो अभी आपको अप्लाई करने हैं, यानी कि नीट की एग्जाम से पहले पहले अप्लाई होते हैं, उसके बाद कुछ स्टेट के वेटनरी फॉर्म जैसे यूपी के एमपी के वो वेटनरी फॉर्म निकलते हैं, आप भी ध्यान रखें, जैसे ही मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर भी अगर आप यूपी या अदर स्टेट की वेटनरी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने स्टेट के वेटनरी वेबसाइट पर प्रॉपर विजिट करते रहें और जैसे ही उनके फॉर्म ओपन होते हैं आप वहां पर
फॉर्म अप्लाई कर दें। तो ये जानकारी थी कितने फॉर्म हमें फिल करने हैं नीट के एग्जाम के साथ साथ, क्योंकि काफी बच्चों के इसके बारे में कमेंट्स थे कि हमें कौन कौन से फॉर्म अप्लाई करने हैं, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, इसके साथ कोई फॉर्म छूट ना जाए, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। फिर भी अगर किसी स्टेट का प्रोसीजर चेंज होता है, काउंसलिंग से पहले उनके फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।